हेलो एवरीवन, आज है 26 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज के बारे में। देखिए, 150 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है और डाउन ट्रेड चल रही है। यहाँ पर नतीजे भी इसके हाल फिलहाल में आए हैं। मार्च क्वार्टर के नतीजे अब आए हैं जब लोग जून क्वार्टर के नतीजे पोस्ट कर रहे हैं, तो काफी लेट इसके नतीजे आए हैं ये भी हम कह सकते हैं। और नतीजे भी जो आए हैं वो कैसे हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 150 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 12 से 13% की गिरावट हमें देखने को मिली है। 180 रुपए के लेवल से ये शेयर टूटता हुआ नीचे आया है, 180 रुपए के लेवल से, और एक महीने का सबसे बड़ा लो अभी बना है। अभी पिछले एक साल की भी मैं बात करूं तो एक साल में इसमें 60% की गिरावट है। 403 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया था शायद, 119 रुपए तक की इसने लो बनाया। फिर एक बढ़िया रैली आई थी, यहाँ पर 200 रुपए तक भी शेयर पहुंचा, लेकिन उसके बाद ऐसी गिरावट शुरू हुई है कि वाकई में ये जो गिरावट है वो ऊपर आने तक का नाम नहीं ले रही। 3 साल की भी अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में जी एंटरटेनमेंट में 72% की गिरावट है। 613 रुपए से ये शेयर कंटिन्यूअस टूट रहा है, और 119 रुपए का लो बना था जो जस्ट अभी कोविड के वक्त ही बना था। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है पिछले 3 साल में। 10 साल की मैं बात करूँ तो जी एंटरटेनमेंट में पिछले 10 साल में 1% से 1.5% का ही ग्रोथ है। 108 रुपए तक का लो है, 613 रुपए तक का हाई है। एक बढ़िया रैली है कि 2010 से लेकर 2017 का जो वक्त था वो वाकई में जी एंटरटेनमेंट के लिए काफी शानदार वक्त था। लेकिन उसके बाद 2018 की शुरुआत से एक भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली है, और सारा का सारा रिटर्न ये शेयर खा चुका है। 7 साल का रिटर्न 2-2.5 साल में ही खत्म कर चुका है ये शेयर। यहाँ पर देखें तो मिड कैप स्टॉक है ये, 14,865 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 3.5 से 4 करोड़ तक का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर ऑलमोस्ट यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं, 1% की ही होल्डिंग प्रमोटर के पास है। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और एफआई तीनों ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग जून क्वार्टर में कट डाउन जरूर की है। एक बहुत बड़ी होल्डिंग इसकी एफआई के पास है, 67.32% जितनी होल्डिंग एफआई के पास है। म्यूचुअल फंड के पास 3.77% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर की बात करें तो भैया एसएल मीडिया वेंचर लिमिटेड है, जिनके पास 3.45% की होल्डिंग है, उसमें से भी 20% की होल्डिंग इनकी गिरवी देखने को मिली है। 25 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 585 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टर है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात तो ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड है, जिनके पास 10.14% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.68% देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास कुछ ज्यादा होल्डिंग है नहीं, प्रमोटर की होल्डिंग भी गिर भी पड़ी हुई है, और बड़े फंड हाउसेस के पास होल्डिंग है जरूर, लेकिन वो भी बिकवाली के मूड में दिखाई दे रहे हैं। 2019 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, मतलब जुलाई महीने में ही पे किया था, 350% का पर शेयर, 3.50 रुपए का डिविडेंड इन लोगों ने पे किया था। जी एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रीडिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, ये हमें यहाँ पर अभी भी समझना होगा कि टेक्निकल रीडिंग अभी भी खास अच्छी नहीं है। पी हालांकि थोड़ा कम जरूर है, 10 के आसपास का पी, जबकि इंडस्ट्री पी 17 के आसपास है। बुक वैल्यू 74 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.04 है, ईपीएस 14 के आसपास है, और डिलीवरी तकरीबन 12 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 89% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात करें, और 1% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 90% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, और 10% लोगों का मानना है कि भैया बेच के निकल जाओ। यहाँ पर हम अगर देखें तो नतीजे जो आए हैं वो बहुत ही बुरे इनके नतीजे हैं। अब तक ये वो कंपनी थी जो मुनाफा कर रही थी, लेकिन अब लॉस की शुरुआत हो चुकी है। मार्च क्वार्टर में 760 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने नुकसान रिपोर्ट किया है, और ये वाकई में एक बहुत बुरी खबर है इनके लिए, क्योंकि इससे पहले देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर में तो 350 करोड़, 413 करोड़, 527 करोड़, 290 करोड़ तक का बढ़िया प्रॉफिट करने वाली कंपनी ये हुआ करती थी। लेकिन अब नुकसान की शुरुआत हुई है, और
जून क्वार्टर में भी मुझे लगता है कि ये जो नुकसान है वो आने वाले दिनों में और ज्यादा कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जरूर प्रमोटर बिकवाली के मूड में दिखाई दे रहे हैं। 22% की होल्डिंग 4.77% है। गिर भी रखे शेयर्स पहले 96% थे, आज 20% है। रीजन भी है कि भैया प्रमोटर ऑलरेडी यहाँ पर बेच के निकल चुके हैं। हालांकि एफआईएस ने सरप्राइजिंगली सारी की सारी होल्डिंग जो प्रमोटर ने बेची उसको एफआईएस ने खरीदा है। 48% की जो होल्डिंग थी एफआईएस के पास, आज वो 67% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। उसके सामने अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड यहाँ पर बिकवाली के मूड में है। यहाँ पर 1.85% की होल्डिंग 0.75% हो चुकी है इंश्योरेंस कंपनी की। म्यूचुअल फंड के पास पहले 6.86% की होल्डिंग थी, आज 3.77% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस भी यहाँ पर धीरे धीरे अपनी होल्डिंग को कट डाउन कर रहे हैं और प्रमोटर खुद यहाँ से भाग रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट, और मुझे लगता है कि जरूर इस कंपनी में पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी अभी इसमें डाउन ट्रेड चल रहा है और मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में और ज्यादा कंटिन्यू हो सकता है। 150 रुपये अभी भी मुझे जी एंटरटेनमेंट महंगा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी शायद 130 रुपये से भी नीचे टूट सकता है। तो खरीदारी करने की मेरी सलाह यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं जी एंटरटेनमेंट के शेयर से को अवॉइड करने की सलाह दूंगा यहाँ पर। खरीदारी अभी बिल्कुल भी ना करें। 130 रुपये के आसपास इसकी वैल्यूएशन को हम चेक करेंगे कि भैया अब कितना सस्ता है। 130 125 रुपये तक तो ये शेयर यहाँ से जाएगा ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जी एंटरटेनमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।